पहुंच जाएंगे चोटी। सालों पुरानी भड़ास निकाल रहा हूं मैं। इन बेचारों पर क्यों? क्योंकि सट्टी काढ़ी है इतनी दर्दनाक। इन दोनों कमीनों की शक्ल मेरे दोनों बड़े भ्राओं से मिलती है। वो भ्रा जिन्होंने मुझे धोखा देकर मेरा घर बार पैसा परिवार सब छीन लिया मुझसे और सड़क पर अकेला छोड़ दिया मुझको। किसी पराये ने धोखा दिया होता ना गंगा जी तो शायद भूल भी जाता, लेकिन अपनों का धोखा वो तो भूले नहीं भूला जाता ना। फोन का बता दो वरना गोली भेजे के पार कर दूंगा। हमारी बच्ची लौटा दीजिए। इनसे भी ज्यादा नफरत करता हूं अपनी बीवी नाल जिसने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया जी। मेरे दोनों भ्राओं के साथ मिलकर मेरा जिगर और मेरा पैसा दोनों लूट कर भाग गई। लेकिन रब की मेहर भी तो देखो आज इतने साल बाद दिलजीत नूं ऐनी सोहनी कुड़ी मिली है जिदे नाल दिलजीत अपना दिल खोल कर बात कर सकता है। ए चुप, क्या कर रहे हो? दर्द हो रहे तो हम क्या करें? डॉक्टर के पास जाओ ना। देख नहीं रहे का? हमरे यहाँ सीन चल रहा है। अबे जाओ ना। हाँ तो जी आप क्या कह रहे थे? जी पैसा तो रब दी मेहर से मैंने फिर कमा लिया, लेकिन अपनों को कमा पाना ये मेहनत था नहीं किस्मत था खेल है जी। और आज इतने सालों बाद दिलजीत को अपनी किस्मत पर थोड़ा सा भरोसा हुआ है, क्योंकि दिलजीत को आप जैसी एक सोनी कुड़ी जो मिल गई जिस पर दिलजीत पूरा भरोसा कर सकता है, अपना दिल खोल कर रख सकता है, अपने सारे राज शेयर कर सकता है। जी वो कहते हैं ना कि बस एक सड़म चाहिए जिंदड़ी के लिए, इस दिलजीत को भी एक सड़म ऐसा ही चाहिए जी अपनी इस खाली अधूरी जिंदगी पूरी करने के लिए। आप शायद अपने पति के बारे में सोच रही होंगी जी। का? नहीं जी मैं समझ सकता हूँ। नहीं, उनको तो छोड़िए ना। हम तो यही सोच रहे थे कि आपके और हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। जैसे कि दो जिस्म एक जान, दो कमरे एक मकान और गुलकंद के साथ में कत्थे वाला पान। गंगा जी मैंने तो अपना पूरा दिल खोल के रख दिया आपके सामने, पर क्या आपकी भी ऐसी कोई कहानी है जो कोई ना जानता हो? कोई ऐसा राज जो आप अपने दिलजीत नाल शेयर करना पसंद करेंगी? बताइए बताइए मुझे छोटी के बारे में। कहाँ है मेरी बच्ची? आज मैं जान कर रहूंगा, बताइए। जी आपने हमारे साथ हैं इतने सच्चे मन से बातें शेयर की हैं, तो बदले में हम भी आपको ना कुछ बताते हैं। हम ना इस घर में घर की बड़ी सास बनकर नहीं,
बल्कि हीरोइनी की सबसे बड़ी फैन बनकर आए थे। एक घर का सारा काम कर छोड़ कर ना उसके पीछे पीछे यूं ऐसे ऐसे ए लट्टू बने घूमते रहते थे पूरा दिन। फिर एक मनहूस दिन उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारी इज्जत और उसके लिए हमारी चाह। पत्थरों को चीर कर निकलने वाली गंगा को ना एकदम सूखा बना दिया उस कुटनिया ने। दिलजीत जी, वो हम ना बस ऐसे इस शक्ल से भोले दिखते हैं और बर्ताव से कॉमेडी करते हैं ताकि ताकि ना कोई हमारे अंदर का दर्द ना पहचान सके। पर अब ये दर्द ना इतना हावी हो चुका है कि इसका मरहम सिर्फ बदला है। पर ये बदला ना हमने गुडनिया की बेटी है ना छोटी गुड्डन उसको अगवा करके पूरा करने की ठानी है। दिलजीत जी, वो हम बुरे इंसान नहीं है, पर हम क्या करें, हम आपकी तरह ना ऐसे अपनों का धोखा ना ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। बड़े भोले हो तुसी, वो बच्ची कहाँ छुपा के रखी आपने? दिखाते हैं। हुकुम मैडम, बच्ची की तरफ कैमरा घुमाओ। दिखाते हैं मैडम, ये देखें। मेरी प्यारी बहादुर बच्ची, अपने पापा को इस गेटअप में भी पहचान लिया आपने लगता है, तभी तो देखते ही रोना बंद कर दिया। बस अब कुछ देर और बेटा, डरना नहीं आप, पापा जल्दी आ रहे हैं आपको घर वापस लाने के लिए। शुक्र है इसने रोना तो बंद किया, वरना पूरा मोहल्ला आ जाता इसे देखने। ये ले दूध पी ले। पत्ती पुड़िया, ये तुम ठीक हो भाई? हाँ। बिल्कुल अपनी माँ पर गई। इसकी माँ आंधी है तो ई ना ये तूफान है। हाँ जी दिकरा जी। पर ये तूफान ना अभी हमरी कैद में है। गुटनिया ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है ना, अब उसकी छोटी गुटनिया के जरिए हम उसकी मुलाकात बर्बादी से कराएंगे। हाँ तो फिर एक का कहिएगा हमारी डेयरिंग के बारे में? एक गलत सलाह मत, बड़ी जो कहानी है ना दिल छू गई। हम दोनों ही जो है ना गंगा जी, अपनों के पराए बन के शिकार बन चुके हैं। बट इफ यू डोंट माइंड, एक गल कह सकता हूँ आपसे, आपका ये जो बदला है ना जी, एकदम चंगा है जी, परफेक्ट। लेकिन आपका ये जो बदला पूरा करने में मदद कर रहे हैं ना आपकी ये गुंडे, एकदम रॉन्ग है जी, यूजलेस। आई मीन ये एक छोटी सी बच्ची का अटैक हैंडल नहीं कर पाए। कल को वाहेगुरु रब ना करे कोई बड़ी सिचुएशन आ गई तो उसे हैंडल कर पाना डेफिनेटली नहीं हो पाएगा जी, इनसे दिलजीत की गारंटी है आपको। तो सी स्ट्रेस बिल्कुल ना लो जी, असली किस काम आएंगे? नहीं अगर आप कंफर्टेबल हो तो उस बच्ची का ख्याल मैं खुद रखने को तैयार हूं पर्सनली। कोई गल नहीं जी, मैं
मैं समझ सकता, दोस्ती हुई है, भरोसा होने में टाइम लगेगा। चलिए जी, चलता हूं मैं, रब रखा। अब भरोसा है दिलजीत जी। दिलजीत जी, आप इकलौते इंसान हैं जिसने सब कुछ जानने के बाद भी ना हमारा साथ देने का निर्णय लिया है, और अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा, वादा है ये दिलजीत का। आप हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्यों जी? वो कहते हैं ना, दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी। अब बताइए, वो बच्ची का है? बच्ची? देखना पापा ना आपकी लोकेशन पता कर ले, और फिर आप, आपकी मम्मा। आपको यहां तक देखा तो नहीं ना किसी ने? छोटी की लोकेशन का पता चला। मेरी छोटी से वीडियो पे बात हुई कुटन, छोटी को वीडियो पे देखा है मैंने। कैसी हमारी बच्ची? बिल्कुल अपनी माँ जैसी। कुंडन ऐसा लगा जैसे वो खुद अपने आप के लिए लड़ रही थी, विरासत में मिले हुए अपने अतरंगी तरीकों से सबको सबक सिखा रही थी। फाइटर तो है ही ना हमारी बेटी, आपके हमारे गुंजरास। देखिएगा, सब पर भारी पड़े ही हो। लोकेशन पता चलेगा? गंगा भाभी मुझे लोकेशन बताने ही वाली थी कुटन, कि लास्ट मोमेंट पे अचानक से वहां पर। अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर पहुंचकर बहाने से आपको लेकर आ गई। पर क्यों, का दिक्कत का है? इसलिए ताकि आप अपने प्रेम गाथा के चक्कर में मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ ना दें। कुछ भी मत बोलो। हाँ, दिलजीत जी ने तो हमारा दिल जीता है। दर्द समझते है वो हमारा। अरे देखो, मतलब बिना बोले हमारी मदद करने के लिए भी तैयार हो गए। इतने भले इंसान आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते। भला बुरा गया तेल लेने। सच तो ये है कि वो एक अजनबी है, और उनको आए हुए एक दिन भी नहीं हुए। सासू माँ, आपने अपनी पूरी रामायण सुना दी। अरे मैं मानती हूँ कि वो हैंडसम है, अच्छे दिखते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शक्ल पे ही बिक जाए आप। अरे पर बात सिर्फ शक्ल की नहीं है, अकल की भी है। हाँ, वो समझदार है और भरोसे के लायक। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्हें आप पर भरोसा तो हुआ। अगला पड़ाव भी हम पार कर लेंगे जनरल साहब, छोटे की लोकेशन जल्दी पता चलेगी। आई होप सो टू गुटन। बस ये सरस्वती बहू गंगा भाभी को अपनी बातों में लाकर उन्हें मैनिपुलेट ना करते बस। उसकी चिंता आप मत कीजिए, अपने प्लान को सेफ रखने का प्लान है हमारे पास। मतलब ये कि क्या पता उस बहरूपियों को गुड्डन ने ही बुलाया हो। हाँ, और आपको अपने प्रेम जाल में फंसा करके आपसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। देखिए, आपने भी तो ये किया था ना, नकली माँ बाप को घर पे लेकर आई थी, तो क्या पता सेम पैतरा गुड्डन भी अपना रही हो। नहीं दिलजीत जी, हमको धोखा नहीं दे सकते। सालों पुराने पति ने तो आपका साथ दिया नहीं, और आप दिलजीत जी पे दिल लगा के बैठी हुई हैं, उन पे उम्मीद टिका के बैठी हुई हैं। अरे अपना दिमाग खोलिए, पहले इम्तिहान लीजिए, फिर विश्वास कीजिए। आप समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? बात तो तुम ठीक कह रही हो सरुया बेबी, कल सुबह का सूरज दिलजीत जी के लिए अग्नि परीक्षा लाएगा।
जाइए आराम से, आशिकी तेरी बनी नहीं है, आराम से जाके बनाइए आप। हाँ। मैं क्या जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कहा है दिलजीत जी? जी थोड़ी खातिरदारी के बदले दिलजीत का एक छोटा सा गिफ्ट, एक तोहफा, एक दोस्त से, उसकी सबसे सोड़ी दोस्त के लिए। जी खास तोड़े लिए अपने इन्हीं हाथों से बनाइए जी, कबूल है? अच्छे खासे चंगे भले सरदार जी कहां फंस गए गंगा जी के चक्कर में? पता नहीं लक्ष्मी, पर ये रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित रहे यही अच्छा है। बहुत अच्छी है। चलो नाश्ते की तैयारी करनी है। तुम मेरी गंगा नहीं रहे, बदल गई हो तुम, बिल्कुल बदल गई हो तुम गंगा। लगता है कि आपको पसंद आ गया। बहुत ही पसंद आई है। इसे देखकर हमारे दिल में इतना कुछ फीलिंग हो रहा है कि हम कहाँ बताएं आपको जी। इतना सुनहरा तोहफा आज तक कोई नहीं लाया हमारे लिए दिलजीत जी। ये आपको क्या ही बताऊं मैं, मैंने भी आज तक कभी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जी। लेकिन जी कल जो आपने अपना इतना साफ दिल खोल के जो अपनी पूरी कहानी मुझे बता दी ना जी, दिलजीत ने दिल से कंट्रोल ही नहीं हुआ जी, हो गया बस ये। कंट्रोल तो हमसे भी नहीं हो रहा है जी। ये सरुया बीबी देख कर रही हो, चलो फोटो खींचो। हर बुक हर एक ग्राम पर ना हम ही सारी फोटो डालेंगे, पूरी दुनिया भी तो देखे कि हमारे चाहने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिलजीत जी का नाम है। देखेगी जी, पूरी दुनिया देखेगी। कैचो जी इनकी फोटो। चलो, चलो। आइए ना। हाँ हाँ आइए ना। गुड्डन सही थी, जितना आपको चने के झाड़ पर चढ़ाऊंगा उतना ही आपका विश्वास भी बढ़ेगा, और अब यही विश्वास हमें हमारी बच्ची तक पहुंचाएगा। गुड जॉब गुड्डन। ए सरुया बेबी, ए फोटो अच्छी आई है ना? बहुत अच्छी आई है। थैंक यू दिलजीत जी। ये फोटो देखकर ना हमारा दिल खुला नहीं समा रहा है। तो जी तो कुछ भी नहीं है जी, दिलजीत तो चाहता है कि आप अपनी सारी मुसीबतें इन कंधों पर डाल दीजिए जी, फिर देखिए आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा जी मैं। तो एक इशारे दी दे रहे जी। सच? और अगर आप मेरी गलती भरोसा नहीं है तो जी आजमा के देख लो, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। चलिए अब बेझिझक बताई दीजिए बच्ची का एक काम खत्म कर देते हैं।
अपना जी बताइए।